देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा घेराव करने पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा NSUI कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज एवं पटवारी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में बागली मुख्यालय पर बागली विधानसभा के NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ थाना चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के पुतला दहन किया जाना था, लेकिन इस दौरान पुलिस एवं NSUI कार्यकर्ताओं में पुतले को लेकर झूमाझटकी हुई। हालांकि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला दहन नहीं कर सके। इस दौरान नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। पुतला दहन तो हम करेंगे, क्योंकि वास्तव में हकीकत यह है कि सरकार यदि लाठी मारे, डंडे मारे, तो हम छात्र हित के लिए खून बहाना भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि जब जब भी पुलिस प्रशासन छात्र हित की मांगों को रोकेगा, सरकार तानाशाही बनेगी, NSUI छात्र हित की बातों को बुलंद करती रहेगी। इन्होंने DAVV विश्वविद्यालय का घेराव करने शांतिपूर्ण तरीके से NSUI के कार्यकर्ता पहुँचे थे। सरकार के निर्देश अनुसार पुलिस द्वारा जो उनके ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन द्वारा किया गया, उससे सैकड़ों छात्र घायल हुए, कई NSUI कार्यकर्ता घायल हुए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष जी चौकसे को गंभीर चोट आई। देवास इंदौर जिला अध्यक्ष रजत पटेल को भी गंभीर चोट आई। उसके विरोध में हमने और मध्य प्रदेश शासन में जो पटवारी परीक्षा घोटाला सभी तरीके भर्ती घोटाले जो हुए हैं, उसके विरोध में हमने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।